गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, क्लास 8 सब्जेक्ट मैथ चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3 है। क्वेश्चन नंबर 25 पिछली वीडियो में हम आपको डिस्कस कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 6, पूर्णांकों को ऊर्ध्वाधर संख्या रेखा पर भी दिखा सकते हैं जिसे ऊपर की दिशा को धनात्मक तथा नीचे की दिशा को ऋणात्मक माना जाता है। पाशांकित संख्या रेखा देखिए और निम्नांकित प्रश्नों के उत्तर दो। पहला का ए बिंदु प्लस 7 है, कौन सा बिंदु माइनस 7 है। सर्वप्रथम यहां पर एक रेखा खींची गई है, यहां रेखा 0 0, और अब यहां पर हम आपको बिंदुओं से दर्शाते हैं। 0 ऊपर की ओर, इसने बताया है ऊपर की ओर धनात्मक संख्या और नीचे की ओर ऋणात्मक संख्या, तो हमें पता है 0 हो जाएगा हमारा प्लस के 1 प्लस के 2 प्लस के 3 प्लस के 4 प्लस के 5 प्लस के 6 और प्लस के 7। अब नीचे की ओर माइनस के 1 माइनस के 2 माइनस के 3 माइनस के 4 माइनस के 5 माइनस के 6 और माइनस के 7। ठीक, अब देखिए आप ए बिंदु प्लस 7 है, कौन सा बिंदु माइनस 7 है, यानी ए बिंदु हमारा क्या है प्लस के 7 और बिंदु माइनस 7, बिंदु माइनस 7 क्या है हमारा ई पर है, माइनस 7 क्या आ जाएगा ई बिंदु, माइनस 7 जो है ई बिंदु पर है। अब खंड था, बिंदु बी किस पूर्णांक को निरूपित करता है। बिंदु बी, अब हम देखिए 0 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3, यानी बिंदु बी माइनस 3 पूर्णांक को निरूपित करता है। हल माइनस 3 को निरूपित करता है। अब बिंदु बी का विपरीत बिंदु बताइए, यानी बिंदु बी का विपरीत यानी उसका उल्टा, यानी बिंदु बी कहां पर हमारा दो पॉइंट छोड़कर है 0 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3। इसी प्रकार ठीक हम ऊपर की ओर चलेंगे तो 0 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3, यानी इसका विपरीत बिंदु क्या हो जाएगा सी। तो हल बी का विपरीत बिंदु क्या होगा सी। घा बिंदु डी के और एल से निरूपित पूर्णांक लिखिए। देखिए जब 0 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5, यानी डी किस पर है प्लस 5, तो ये है डी का पूर्णांक क्या होगा, तो डी का क्या हो जाएगा प्लस के 5। अब के हमारा क्या है नीचे की ओर है, के है नीचे की ओर 0 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 4 माइनस हो जाएगा माइनस 5। एल 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 हमारा ऊपर की ओर 0 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6, यानी एल का पूर्णांक हमारा प्लस 6 होगा। अब बिंदुओं D का क्या हो जाएगा
के का विपरीत क्या होगा? के हमारा